खंडवा जिले के मुंदीनगर में पुलिस प्रशासन ने थाना प्रांगण में आगामी त्योहारों को लेकर बुधवार शाम को शांति समिति की बैठक रखी, जिसमें एएसपी प्रकाश परिहार, एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, एसडीओपी आरके पेंड्रा, नायब तहसीलदार कुणाल अवासिया, सीएमओ संजय गीते की मौजूदगी में बुधवार शाम को शांति समिति की बैठक रखी गई। आगामी त्यौहार जैसे होली, शबे बारात, रंग पंचमी पर शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की बात प्रशासन द्वारा की गई। वहीं कोविड-19 के नियम शासन प्रशासन की गाइडलाइन का भी पालन करें, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। वहीं होली और रंग पंचमी पर भीड़ ना करें, सीमित संख्या में होली का दहन करें। वहीं शबे बारात के दिन भी एक एक करके कब्रिस्तान जाएं, कोई भी भीड़ भाड़ या एकजुट ना जाए। यदि त्योहारों पर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह बात एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी ने सभी समाज के वरिष्ठ गण से कही। इस मौके पर समाज सेवी अत्ता हुसैन मलिक, चंद्रमोहन राठौड़, डॉक्टर वहीद कुरैशी, सखाराम निमोले सहित कई समाजजन मौजूद रहे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। बैठक रखी गई, इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया? जैसा कि अभी वर्तमान में कोरोना का चल रहा है, कोविड-19 के तहत किस प्रकार की हमको सुरक्षा इंतजाम रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आने वाले जो त्यौहार हैं, शबे बारात है, गुड फ्राइडे है, होली है, रंगपंचमी है, इस दौरान गैर और बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार के असामाजिक तत्व कोई समाज के लिए व्यवधान उत्पन्न ना करें, उस संबंध में शांति समिति की बैठक ली जाती है और साथ साथ ये कोरोना के बारे में भी गाइडलाइन का पालन करना है, इस संबंध में मीटिंग रखी गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।